हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का टॉपिक है गर्मी में लगाई जाने वाली सब्जी, जिसे हम मार्च और अप्रैल में ग्रो कर सकते हैं अपने घर पर। सबसे पहला नंबर है सब्जी का, वो है बैंगन। हम बैंगन, भरता बैंगन, लॉन्ग बैंगन और वाइट वाला जो बैंगन आता है, सफ़ेद बैंगन और हरा बैंगन, जितनी भी वैरायटी बैंगन की आती है, आप आराम से इसे अभी ग्रो कर सकते हैं। और आप मिर्च को ग्रो कर सकते हैं, मिर्च की लॉन्ग वैरायटी आती है, जितनी भी वैरायटी आती है मिर्च की, आप अभी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके पास बीज ना हो मिर्च के, तो आप लाल मिर्च, जो घर पर सूखी मिर्च आती है, उसे भी कट करके अंदर जो उसके सीड्स होते हैं, आप उससे भी मिर्च को आराम से ग्रो कर सकते हैं। और आप खीरा ग्रो कर सकते हैं, खीरे को भी घर पे आराम से लगा सकते हैं। पहले इनकी पौध तैयार करनी पड़ेगी, या आप इसके डायरेक्ट सीड्स भी लगा सकते हैं, पर बैंगन, मिर्च, टमाटर, इनकी पौध सबसे पहले तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करना होता है। या तो आप इसे प्लांट को, जब इनकी पौध तैयार हो जाए, या आप इसे किसी पॉट्स में लगाइए, या आप ग्रो बैग में भी इसे लगा सकते हैं। और हमें खीरा और भिंडी, इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तोरी, इनको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी पहले पौध भी तैयार करके फिर आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। हम अभी करेला भी ग्रो कर सकते हैं, हम अभी कद्दू लगा सकते हैं।